brought to you by YourQuote, an app that makes you write and perform. जब मैं छोटा था तो मुझे अपने हाथ से नहलाया धुलाया करती थी मैं छोटा था तो मुझे अपने हाथ से नहलाया धुलाया करती थी वो दिन भर बस मेरी ही परवरिश में लगी रहती थी वो नमाजों में दुआ मांगती थी मेरे लिए वो दरगाहों पे चादर चढ़ाती थी मेरे लिए मैं तो दिन में सो जाता था वो रातों को जगा करती थी मेरे लिए मैं तो दिन में सो जाता था वो रातों को जगा करती थी मेरे लिए मामूली सी शक्ल का हूँ मैं मामूली सी शक्ल का हूँ मैं वो फिर भी मुझे हसीन कहती है मैं मामूली सी शक्ल का हूँ वो फिर भी मुझे हसीन कहती है जब तक मैं नहीं सो जाता वो कहाँ चैन से सोती है मुझे खुश देखकर वो इतना खुश हो जाती है मुझे खुश देखकर वो इतना खुश हो जाती है कि अपने सारे दुख और दर्द वो भूल जाती है वो अब भी मुझे अपने हाथ से अक्सर खाना खिलाया करती है वो अब भी मुझे अपने हाथ से अक्सर खाना खिलाया करती है वो आज भी मुझे राजदुलारा बुलाया करती है वो आज भी मुझे राजदुलारा बुलाया करती है जब मैं परेशान होता हूँ तो अपनी गोद में लिटा दिया करती है और भाई सही बताऊँ माँ की गोद से ज़्यादा जो सुकून मिलता है ना दुनिया में कहीं नहीं मिलता मुझे तो नहीं मिलता जब मैं परेशान होता हूँ तो मुझे अपनी गोद में लिटा दिया करती है जब मैं परेशान होता हूँ तो मुझे अपनी गोद में लिटा दिया करती है वो मेरी हर मुश्किल में दीवार बन जाया करती है वो मेरी हर मुश्किल में दीवार बन जाया करती है रवि जाने वो इतनी मोहब्बत कैसे किया करती है रवि जाने वो इतनी मोहब्बत कैसे किया करती है मैं कहीं परेशान होता हूँ तो वो घर पर समझ जाया करती है मैं कहीं परेशान होता हूँ तो वो घर पे समझ जाया करती है मुझ पे तो उसने जैसे पीएचडी कर ली हो मुझ पर तो उसने जैसे पीएचडी कर ली हो वो दिल का हाल चेहरे से ही समझ जाया करती है वो दिल का हाल चेहरे से ही समझ जाया करती है और माफी गोद के लिए दो लाइनें और लिखने की कोशिश की है कि ऐ जमीन ना तेरे सीने में सुकून मिला ऐ जमीन ना तेरे सीने में सुकून मिला ना आसमान के आगोश में सुकून मिला ना आसमान के आगोश में सुकून मिला मुझे तो बस अपनी माँ की गोद में सुकून मिला चाहिए मुझे ना दौलत चाहिए ना मुझे वो बंगला चाहिए मुझे तो बस अपना वो बचपन चाहिए जब मैं माँ की गोद में लेटा रहता था माँ लोरिया सुनाती थी और मैं खेलता रहता था और आजकल हैप्पीनेस का बड़ा चल रहा है कि आजकल हम हैप्पी नहीं रह पा रहे इंडिया की जो जीएचपी है ग्रोथ हैप्पीनेस प्रोडक्शन बहुत कम नीचे आती जा रही है तो एक उसके लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन भी है कि सक्सेस इज नॉट द की टू हैप्पीनेस बट हैप्पीनेस इज की टू सक्सेस तो जो है सक्सेस के मैंने थोड़ा डिफाइन करने की कोशिश की है एक कंटिन्यूस हैप्पीनेस को जो आपकी लाइफ से कभी जाएगी नहीं तो इस तरह से लिखा है कि ये बेरंग सी जिंदगी कुछ रंगीन हो जाएगी ये बेरंग सी जिंदगी कुछ रंगीन हो जाएगी एक बार सुबह को माँ को मुस्कुरा कर देख लिया करो जिंदगी खुशहाल हो जाएगी हम लोग ऐसा मानते हैं बॉडी ने भी माँ को कुछ मतलब एक ऐसी पोजीशन पर रखा है वो कैसी पोजीशन पर रखा है कि बताना चाह रहा हूँ दो लाइन के जरिए कि रब ने भी माँ को ये मर्तबा दिया है मतलब पोजीशन रब ने भी माँ को ये मर्तबा दिया है कि जन्नत को भी उठा के उसके कदमों तले रख दिया है जन्नत को भी उठा के उसके कदमों तले रख दिया है